गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 9 का पाठ नंबर 6 था, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो जवाब होगा, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो जवाब होगा, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीसरा प्रश्न है, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने क्या कौन सा उपचार बताया था? तो जवाब है कि बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कोने के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। फिर दूसरा है, सविस्तर उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला होगा, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो जवाब होगा, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन कराते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे, बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी, महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काप कर तुरंत क्यों संभल गई? तो जवाब होगा, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी क्षय की बीमारी बताई थी, पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कापना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी, वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। तीसरा प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? तो जवाब होगा, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी, उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ भी नहीं किया, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जवाब होगा, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा, आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे, वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन कराते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई, महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की, सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार
बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। तो पहला है, बीमारी अमीरों की हरम जर्गी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। तो जवाब होगा, बीमारी अमीरों का हरामीपन है, वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह काम चोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है, वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, काम के पीछे बुखार भागे। तो जवाब होगा, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है, वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। तो पहला है, जहां शरण लिया जा सके, तो शरण स्थल। दूसरा, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, तो शतायु। तीसरा, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, तो स्वस्ति पंथा। फिर पांचवा है, विरोधी शब्द दीजिए। पहला होगा चिकना, तो उसका विरोधी खुरदरा। मधु का विरोधी कटु। क्लश का विरोधी शांति। विमुक्त का विरोधी बद्ध होगा। तो बच्चों, यहाँ स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम काव्य सीखेंगे, सूरदास के पद।